अब ये दोनों अकल और मंद बनेंगे मेरी ताकत। आपने हमें पुनर्जीवित किया, धन्यवाद भैरानी टिमनासा। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं बल्कि तुम्हारी शक्तियां चाहिए। क्या काम करना है आदेश दीजिए। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी अपनी जादुई शक्ति से दोनों बालवीरों को खत्म करने में। वीर लोग के हर एक प्राणी का शिकार करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें भी इतने सालों का बदला लेना है। शाबाश। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अरे मन भी क्या खोज रहे हो तुम? चाबी खोज रहा हूँ। चाबी? किस चीज की चाबी? अरे कान खोलने की। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कान किसका खोलना है? मन कान खोलने का मतलब है ध्यान लगाकर सुनना। ओ तो साफ साफ कहना चाहिए था ना। अरे इसको चाबी नहीं, हमें इसके दिमाग का नट ढूंढना चाहिए। इसको छोड़िए, आप बताइए आप क्या कह रही थी। मैंने तुम दोनों को शिकार करने के लिए जीवित किया है। क्या तुम्हारा इतना साहस कि अकलमंद को शिकार करोगे? हमारा शिकार करने नहीं, हमसे शिकार करवाने के लिए बुलवाया है। तो साफ साफ कहना चाहिए था इनको। बालवीर को पकड़ने के लिए तुम दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। चलो मंद, अच्छाई का शिकार करने चलते हैं। अरे मंद, अरे वहां क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था चलो, तो मैं चल पड़ा। मेरा मतलब है उड़ो मंद, उड़ो। चलने का मतलब है हम उड़ सकते हैं, हमारे पास शक्तियां हैं। तो साफ साफ आदेश दो ना। इन दो भाइयों का नाम अकलमंद नहीं अकलबंद होना चाहिए था। अब होंगे पृथ्वी लोक से दोनों बालवीर गायब। छुट्टी कोई मिला? नहीं यार, हम कब से ढूंढ रहे चोर टीम को, लेकिन ना तो हमें चिंटू चिंटी मिल रहे और ना ही आरोही। हमें ना थोड़ी देर का ब्रेक ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं छुट्टी, हम हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक चोर टीम पकड़ी नहीं जाती तब तक हम पुलिस टीम थक कर रुक नहीं सकते। तो चलो ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम तो काफी हो गया, क्यों ना छोटा सा मैजिक करके चोरों को ढूंढ लिया जाए। हम लोगों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। हाँ विवान, जब तक तुम हमारी चीफ थी आरोही क्यों नहीं पकड़ लेते ना, तब तक तुम्हारी टीम विनर निकल आएगी। विवान, कैच मी इफ यू कैन। ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे साहसी की तो ऐसी की तैसी। कमॉन विवान, कमॉन कमॉन, आओ। अरे अरे आओ विमान जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आओ आओ। ओए
गिव अप। सेम, लगता है आरोही को पकड़ने के लिए इंटरपोल बुलाना पड़ेगा। सो आई गेस अब पुलिस टीम को हार मान लेनी चाहिए। यू आर अंडर अरेस्ट आरोही। वेरी नाइस विवान। थैंक यू। विवान के होते हुए दुनिया का कोई भी चोर निकल के नहीं जा सकता। ओ हेलो विवान, तुमने चीटिंग की है। जब मैं रुकी थी तब तुमने मुझे पकड़ा है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो चलो टाई ब्रेकर कर लेते। उन बच्चों की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन आखिर वो बच्चे हैं कहाँ? क्योंकि हम बच्चे हैं पर कच्चे बिल्कुल। क्या हुआ बच्चों, कौन सी मुसीबत है तुम दोनों को? मुसीबत कहाँ है? किसने भेजे? क्या तूने मुझे बताया नहीं? मुसीबत हम पे नहीं, बालवीर पर आने वाली है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? अच्छाई के शिकारी अकल और मंद है। इन दोनों को कई बरसों पहले मैंने बंजर लोक में दफना दिया था। तो फिर ये दोनों जिंदा कैसे हो गए? अब हम क्या करें बालपरी? परिया, तुम दोनों जाकर वीर लोक की सुरक्षा और तेज कर दो। मैं धरती लोक पर जाकर दोनों बालवीर को सावधान करती हूँ। बच्चों, हाँ? ये बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि मेरी शक्तियां इन पर काम ही नहीं कर रही है। भाग गया। तुम भी हमला करो। हाँ? अरे भूचाल के ढेर मुझ पे नहीं, बालवीर पर। ओ, एक मिनट एक मिनट। भूचाल के ढेर पे करना है? इस बालवीर पर? या तुम पर? बालवीर पर। पर इस बार बीच का प्रयोग कर। क्या हुआ यार? आपने देखा कि इस वीडियो का प्रयोग करो? अब भोजन से अच्छा वीडियो का प्रयोग क्या हो सकता है? बताओ। हमें बालवीर पर हमला करना है, वो भी बीच से। ओ, तो उसकी जैसी दादे तू ना। We'll be right back.
भैरानी, वैसे तो अकल और मंद बालवीर पर भारी पड़ रहे, लेकिन अगर आप कहे तो मैं धरती लोक पर जाकर उनकी सहायता कर दूं। नहीं, अगर आप कहे तो नहीं जाऊंगा। बच्चों ये वो तो हमारे बीचों से बंधे हुए हैं, तो क्यों पकड़े? एक बालवीर कैद में, और अब अगली की बारी। और प्लेयर्स रेडी? रेडी। ओके, वहां सब रेडी? अगर फ्री एंड फेयर रेस होगी तो जीत हमेशा पुलिस टीम को ही मिलेगी। वीवन, 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 वीवन। अरे 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 वीवन! ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पार्टनर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है? एंड द विनर इज आरोही। सो विवान, रेस जीतने के लिए फ्री और फेयर के साथ पास लेना पड़ता है, समझे? हाँ, यू आर राइट, तुम्हारी टीम जीत गई। अरे भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? भैया, भैया जवाब दीजिए। भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जवाब दीजिए भैया। भैया, विवान, बालवीर से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो है कहाँ? बालपरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भैया किसी बड़ी मुसीबत में। हो सकता है विवान, तिमनासा ने बंजर लोक से अच्छाई के दो शिकारी अकल और मन को आजाद कर दिया है। हो सकता है कि उन दोनों ने बालवीर पर हमला करने की कोशिश की हो। बालवीर, प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ। विवान, बालवीर उस दिशा में है, चलो। लताएं और बेल पर बच्चों को खेलनी है, जो तुम उसे तोड़ दोगे बालवीर। नहीं, मैं नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ और ना ही मुझे खेलने का कोई शौक है। मतलब बालवीर छुपन छुपाई खेल रहा है, खेलने दो, चलो ढूंढते हैं। अरे, अरे, अरे,
लगा कि बालवीर हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हमें छुपन छुपाई नहीं खेलना, हमें बालवीर को ढूंढना है। बालवीर क्या भाई, आप तो फिर सीधे सीधे बोला करो। बच्चों आखिर तुम्हें बच्चों ये बालवीर पार्टनर यही कहीं होंगे। पार्टनर बालवीर पार्टनर पार्टनर बालवीर पार्टनर कहाँ हो आप? चलिए उस तरफ देखते हैं। पार्टनर That's it, my boys. वाह, दिल जीत लिया। बच्चों ने चलो हाँ। अरे अरे मुझे तो उठा ले। ओ क्या तो वादे किया करो। नहीं उठा ले तुम। विवान रुको, रुक जाओ। क्यों माल भरी? विवान जरा सोचो, इन लोगों ने बड़े बालवीर को मूर्ति बना दिया है। अगर तुम बिना किसी योजना के गए तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन बालभरी तो क्या हम ऐसे यहाँ हेल्पलेस होकर खड़े रहें? विवान, अकल और मन का सामना करना है तो हमें होश से काम लेना होगा, कोई योजना बनानी होगी। थोड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। अगर तुम थोड़ी देर और पहले आए होते तो अकल मन ने तुम दोनों को भी कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर सजावट के लिए रख लिया होता। पर खैर कोई बात नहीं, बड़ा बालवीर तो हाथ लग ही गया मेरे, ये चूजा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। तिमनासा, सिर्फ एक चाल जीत कर ये मत सोच लो कि तुमने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली है। मालबरी, टिम्मी आंटी की तो हैबिट ही है कि धीरे से पहले खुद के लिए तालियां बजाने लगती है। इंद्रधनुष के बदले तुमने बालवीर को मूर्ति बनाया है ना, अब बस देखती जाओ बदले में हम क्या करते हैं। और ये रहा हमारे जीत का एक और इनाम। बड़े को तो मूर्ति बना दिया, अब बारी है छोटे की। भैया आप अपने छोटे भाई को क्यों मूर्ति बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी नहीं, छोटे बालवीर की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। बालपरी ये ना सोचना कि पिछली बार की तरह बीच बनाकर हमें बंजर लोक में दफना दोगी। बालवीर को फ्री कर दो वरना। वरना क्या? आई सजेस्ट कि जब बालपरी और विवान गेस्ट बनकर यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना इनका भी गेम ओवर कर दिया जाए।
ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी आंखों के सामने निशाना है, हाथों में तीर है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुस्सा। क्योंकि शिकारी धर्म का एक नियम है, है? कि इन दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। शोधन, मैं अकल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है। अकल और मंद दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। तुम दोनों को मैंने पुनर्जीवित किया है, इसलिए जो मेरा हुक्म है वो मानो। बाल परी और बालवीर को अभी खत्म करो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बहरानी तिमनासा, पर किसी भी हाल में हम शिकारी धर्म का नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक सच्चे शिकारी हैं। शोधन, मैं अकल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा, और अगर हार गए तो? ऑफ कोर्स, अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों के सामने सरेंडर कर दूंगा, और फिर बना लेना तुम लोग मुझे भी अपनी ट्रॉफी। भैया, चुनौती स्वीकार कर लो, मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे चुनौती स्वीकार है। लेकिन शिकारी धर्म के नियम के अनुसार अकल और मन की जोड़ी को हराने के लिए तुम्हें भी अपने साथ एक साथी को इस खेल प्रतियोगिता में लाना होगा। ओके, मैं अपना टीम प्लेयर लेकर आऊंगा। प्रतियोगिता कल सुबह की किरणों के साथ शुरू होगी। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये प्रतियोगिता हारकर खुद विवान अपने भाई की तरह मूर्ति बनके यहाँ कैद हो जाएगा। अकल और मन से जीतना बहुत मुश्किल होगा विवान। माना बालपरी कि वो अच्छाई के शिकारी है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, पर क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक, सांप सीढ़ी से लेके चेस तक, मैं हर गेम का चैंपियन हूँ। वहाँ इनमें से कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा विवान। वहाँ जो भी खेल प्रतियोगिता होगी वो जादुई होगी। सबसे पहली खेल प्रतियोगिता होगी बादल के पार। इसमें तुम्हें अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर बादलों के ऊपर से दौड़कर एक गहरी खाई को पार करना होगा। इजी है, कर लेंगे। और दूसरी प्रतियोगिता कठिन लक्ष्य प्रतियोगिता। इसमें तुम्हें एक भागते हुए घोड़े पर सवार होकर एक अस्थिर लक्ष्य पर निशाना बनाना होगा। फिकर नॉट बालपरी, मेरा निशाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं रात में भी बिना आँख खोले सिर्फ मच्छर की आवाज सुनकर उसका शिकार कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे विवान, निशाना लगाते समय तुम्हारे साथीदार को उबलते हुए पानी के ऊपर बांधा जाएगा। What? क्यों? क्योंकि जब जब तुम निशाना चूकोगे तब तब उतनी ही बार तुम्हारा साथीदार उबलते हुए पानी की तरफ बढ़ता जाएगा। ओह, इसका मतलब अपने टीम प्लेयर की लाइफ का प्रेशर भी होगा। थोड़ा टफ है ये गेम। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल प्रतियोगिता तीसरी, उड़न परीक्षा। कठिन लक्ष्य से भी ज्यादा टफ चैलेंज और क्या हो सकता है बालपरी? विवान,
इस उड़न परीक्षा में तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिलकर एक घने जंगल से उड़ते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। सुनने में तो इजी लग रही है उड़न परीक्षा, लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल है विवान, क्योंकि इस खेल में कोई नहीं जानता कि कब कहां से अचानक से कोई नई मुसीबत आ पड़े। सो बालपरी, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के दो गेम्स ही जीत जाऊं, ताकि मुझे उड़न परीक्षा खेलनी ही ना पड़े। विचार अच्छा है विवान, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। इस जीवन और मौत के खेल में तुम्हारा साथीदार कौन बनेगा? साथी जो भी होगा, मुझे उसका सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि पार्टनर की लाइफ अब मेरे और मेरे टीम प्लेयर के हाथों में डिपेंड करेगी। टिम्मी आंटी और अकलमंद को चैलेंज देकर तो आ गया मैं, लेकिन अब मैं अपना टीम प्लेयर किसे बनाऊं? ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साथी। हाँ रो, ये बेस्ट कैंडिडेट है। माना कि वो मेरा थोड़ा दिमाग तो खाती ही है, लेकिन वो टैलेंटेड भी है और डेयरिंग भी। मुझे उसी से बात करनी चाहिए। क्या मतलब बालवीर की हेल्प करने के लिए मैं इतना डेंजरस गेम खेलना होगा? क्यों, डर लग रहा है क्या? डर? और मुझे, मैंने बोला था ना कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना टीम प्लेयर बनाना चाहता हूँ। वैसे कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर? प्रेशर कैसे नहीं है मेरे ऊपर? बालवीर बच्चों की हेल्प करने के लिए एक पुकार में आ जाता है, इसलिए मैं भी बालवीर की हेल्प करने के लिए एक सेकंड में रेडी हो गई। ग्रेट, तो कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हमें सनराइज के पहले खेल लोग पहुँचना होगा। एक मिनट, सूरज उगने पे ढकना मतलब मेरे लिए तो डेंजरस गेम से भी ज्यादा टफ है। फिकर नॉट, इसका सलूशन है मेरे पास। नहीं, अलार्म क्लॉक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। मैं अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलार्म फेदर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब? अपना हाथ आगे करो। ये मैजिकल फेदर्स है, किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें खेल लोक लेकर आएंगे। कूल, थैंक यू जूनियर। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तोड़ दो बाल परी का ये इंद्रधनुष। धनुष को तोड़ने का उपाय अब ये इंद्रधनुष ही बताएगा। मतलब बाल परी ने इस इंद्रधनुष की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बालवीर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही बालवीर की शक्तियों से बने इंद्रधनुष को काटने के लिए बालवीर की ही शक्तियां चाहिए। लेकिन बालवीर तो मूर्ति बन चुका है, तो फिर हम उसकी शक्तियां लाएंगे कहां से? परीक्षण यंत्र से। परीक्षण यंत्र? एक ऐसा यंत्र है जिसे परियों ने अनन्या को दिया था कठिन समय पर इस्तेमाल करने के लिए। दैट मींस ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ भैमार के तुम धरती लोक पर जाकर ऐसा आतंक मचाओ कि अनन्या वो परीक्षण यंत्र इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए।
मेरे रहते काल लोक पर अच्छाई का सवेरा नहीं हो सकता। हरिये भयमार, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे, टाइम इज रनिंग आउट। भैरानी, मैं क्या बोलता हूँ, भैरानी जब तक नहीं आते तब तक रे और मैं खेल लोग जाकर अकल और मन का विवाद के साथ मुकाबला देख लेते हैं। क्यों? मुकाबला तो मैं भी देखूंगी, हारते हुए बालवीर को देखने में बड़ा मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, आप सबका इस जादुई दुनिया के जादुई खेल में स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता बहुत ही खास है। इस प्रतियोगिता में एक ओर है काल लोक के खिलाड़ी अकल और मंद, और दूसरी ओर है वीर लोक के खिलाड़ी विवान और आरोही। और ध्यान रहे दर्शकों, आज की प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार में कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि खुद बालवीर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंप्रेसिव विवान, यहाँ पे परियां हमें चीयर अप करने के लिए ऑडियंस में बैठी हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये टिम्मी आंटी, ऑल्सो नोन एज भैरानी तिमनास, और इनकी प्रॉब्लम हम है। हो, आई गॉट इट। ये अपोजिट टीम को चीयर अप करने आई है। खेल लोक माय गेस्ट टीम को फेयर कंपटीशन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। आज की इस प्रतियोगिता में सबसे पहला खेल बादल के पार है। इस खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े होंगे। जैसे ही खेल आरंभ होगा, बिंदु के ऊपर खड़ा खिलाड़ी बादलों के ऊपर से 1000 गज की दूरी को पार करते हुए बिंदु खा तक पहुंचेगा और अपने साथी को ताली देगा। ऐसे उसके बाद बिंदु खा पर खड़ा खिलाड़ी वापस बादलों के ऊपर से दौड़ते हुए बिंदु का तक पहुंचेगा। जो नीचे गिरेगा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी करेगा। इससे पहले कभी बादलों पर दौड़ लगाई है? अरे मैंने बताया था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। तुम ये चिंता छोड़ो, आरोही को तो बादलों पर दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। इस खेल पर भैया की लाइफ निर्भर है। We'll be right back.
खेल ऊपर तो दूसरा खेल नीचे, लेकिन दोनों ही खेलों में हारेगा बालवीर। बेटा क्या आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? हाँ अंकल श्योर। भारत नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि सुतली को भारत नगर का चप्पा चप्पा पता है। वेरी गुड। ये एड्रेस। तो देवियों और सज्जनों, बादलों के पार प्रतियोगिता में अगल और मंद की पहली जोड़ी अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं इनकी किस्मत की घोड़ी कितनी दूर तक जाती है। इनका समय शुरू होता है अब। मंद बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए बादलों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जोड़ी के बीच गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। शाबाश मंद, आओ कम ऑन। आरोही मंद को ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी की ट्रिक यूज करना। वेरी गुड, शाबाश, आओ आओ, सही कर रहे हो एकदम सही। शाबाश। ताली? वो तो मैं लाना ही भूल गया, लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे ताली! लेकिन देवियों और सज्जनों, ये क्या, मंद ताली ढूंढने वापस बिंदुका पर लौट रहे हैं और ये देखकर बड़े भाई अकल की अकल को चक्कर आ रहा है। चुटली! चुटली! अरे अंकल आप ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए उसको, छोड़ो सुतली को, वरना हम बालवीर को बुला लेंगे। अगर मूर्ति को जिंदा कर सकते हो तो बुला। लगता है अभी तो हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर, बालवीर हेल्प, बालवीर, बालवीर हेल्प, बालवीर, ये ये तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सच में ही मंद है। इस मूर्ख के कारण कहीं अकल हार ना जाए। मंद अकेले नहीं, मेरे साथ ताली बजाओ, इधर आओ। लेकिन आखिरकार अकल ने मंद को ताली का असली मतलब समझा दिया है। मैं तो बजा रहा हूँ, आप भी बजाओ ना। आगे लाओ, मेरी तरफ लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ, लेकिन मंद का ऊपरी माला खाली होने के कारण अकल का काफी समय नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अकल अब बिंदुका से बिंदुका की तरफ उछलते हुए बढ़ रहे हैं। ये तो कैंगरू उसका चाचा निकला। और ये जीत की छलांग लगा ली है अकल ने और बादलों के पार प्रतियोगिता पूरी कर ली है। टू मिनट 30 सेकेंड्स। अब पता चलेगा कि ना पर अंकल को गलती कर दी तुमने। मुझे यहां बुलाकर अरे बालवीर, विलन उधर है, आप हमें क्यों गुस्से से देख रहे हो? हाँ बालवी, हमने आपको एक इमरजेंसी के कारण बुलाया है। वो देखिए इस फोन पर सत्ती को। नौकर हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, जब चाहे जहाँ चाहे बस बुला लेते हो। बालवी, लेकिन इमरजेंसी में तो हम आपको ही बुलाएंगे ना। खामोश, अगर आगे से ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया ना तो तुम सबके गले के अंदर
चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं छोड़ूंगा। समझे? बालवीर की नकली परछाई भेजकर जो मैंने बच्चों के दिल और दिमाग में ये भ्रम पैदा किया है, पहली बार बच्चों को लगेगा कि बालवीर ने उन्हें धोखा दिया। इस खेल में जीत की ओर ये होगा मेरा पहला कदम। और अब दूसरी टीम की बारी। हमें ये रेस सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड में खत्म करनी, फिर हम जीत जाएंगे। क्या कहा? 29 मिनट 2 सेकंड। आरोही, नीचे मत देखो, बस विवान की तरफ ध्यान रखो। अब छोटे बालवीर और आरोही की जोड़ी बादल के पार प्रतियोगिता में दौड़ेगी। अपने आप पर भरोसा रखो आरोही, कम ऑन। सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अब बहुत जल्द छोटा बालवीर भी एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगा। डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। खुद पर हिम्मत रखो और उठो, कम ऑन। यूपी की वासी, कुत्ते बड़े साहसी, कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन। शुरुआती झटकों के बाद अतिथि जोड़ी खेल में जबरदस्त वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। Come on, come on। आरोही जो फल की तरह टपक गई थी, अब रुई की तरह उड़ उड़ कर एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगा रही है। शाबाश शाबाश आरोही। अरे ये तो जीतने वाली है। भैरानी रे, कुछ करो। अब ये क्लाउड साइज की तरह हार्ड नहीं बल्कि कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे। क्लाउड सडनली इतना स्टिकी हो रहा है। बादलों के पार प्रतियोगिता को आधा पार करने के बाद अचानक ना जाने क्यों आरोही इस तरह संघर्ष कर रही हैं, जैसे वो किसी दलदल में धस रही हो। बिंदुका से बिंदुका तक की दूरी पूरी कर ली है और अब समय है उनके जोड़ीदार विवान अपने हिस्से की दौड़ पूरी करें।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विवान को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों पर नहीं बल्कि शहद की नदी पर दौड़ लगा रहे हो। लेकिन फिर भी विवान धीरे धीरे अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब विवान का पैर फिसल गया है और वो अपना कीमती समय गवाते हुए नजर आ रहे हैं। अकल और मन, तुम चालबाजी करके ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते, ये नियमों के खिलाफ है। हमने कोई छल कपट नहीं किया बालपरी, हम तो यही आपके सामने खड़े हैं। अकल और मन ने 2 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट की थी, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। Come on, Vivan! You can do this, Vivan! Come on! प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसा लगता है छोटा बालवीर बड़ा कारनामा दिखा देगा और अकलमंद को हरा देगा। और ये क्या, छोटे बालवीर का पैर बादलों से फिसला और वो नीचे खाई में गिर गया। इसका मतलब अकल और मंद पहली प्रतियोगिता में जीत गए। नहीं नहीं देवजू और सज्जनों, विमान नीचे नहीं गिरे, वो तो वापस ऊपर आ रहे हैं जैसे कोई उगता हुआ सूरज हो। लेकिन भालपरी, ये तो टोटल चीटिंग है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन ये चालबाजी अकल और मन ने नहीं की है, तिमनासा ने की है। तुम दोनों बस प्रतियोगिता पर ध्यान रखो। लेकिन भालपरी, अगर गेम्स ही अनफेयर होंगे तो हमारे जीतने के चांसेस वीक होते जाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। असली विजेता वही होता है जो हर मुसीबत हर जालसाजी के सामने हार नहीं मानता। हिम्मत रखो। यस विवान, बालपरी इज राइट। अभी भी हमारे पास 2 गेम्स और बाकी हैं, सो होप मत लूज करो। लेकिन अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो हम पार्टनर को नहीं बचा पाएंगे। विवान, परिणाम की चिंता मत करो, अपना पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर लगाओ। ओके, सो चलो आरोही, बुराई की टीम को धो डालते हैं। बस एक प्रतियोगिता और, उसके बाद छोटे बालवीर को पत्थर का बनाकर सजावट में रखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जरूर जीतेंगे, और वैसे भी पृथ्वी वाले बच्चों की हमसे क्या टक्कर? टक्कर मारने वाली कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है भैया? अभी सवाल मत पूछो और जीतने पे ध्यान दो। बहुत खूब रे, बहुत खूब। हमें किसी भी तरह अकल और मन की अगली प्रतियोगिता में भी जीत दिलानी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर बच्चों को डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड दिखा के चला गया हो? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमारे कारण? यस, क्योंकि तुम दोनों बैड बच्चे हो और तुमने ही बालवीर को बुलाया था। क्या बोला तूने? फिर से तो बोल। क्या बोल, बोलने की क्या जरूरत है? तू खुद ही प्रूफ करिए कि तू सबको धमकी देती है। मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ।
मुझे भी ऐसा लगता है कि चिंटू चिंटी जैसे नॉटी बच्चों ने बालवीर को बुलाया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। हाँ। अब तक तो अनन्या या परियों को पता चल जाना चाहिए था कि पृथ्वी पर बालवीर ने बच्चों से बुरा व्यवहार किया। चिंटी, बालवीर के सजीव व्यवहार को समझने के लिए जैसे ही अनन्या परियों से संपर्क करेगी, तुरंत वो परीक्षा यंत्र चुरा लूंगा। लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अनन्या को सामने आना ही पड़े। बालवीर, बाय गॉड, हमने बालवीर को दिल से बुलाया भी नहीं, तब भी बालवीर आ गए। लगता है ये ना खुशी और सुधले का ही काम होगा। जो सजा दी ने आप उन्हें दीजिए। खुशी दीदी, बालवीर हमारी तरफ इतने एंग्रीली क्यों आ रहा है? अगली प्रतियोगिता का नाम है कठिन लक्ष्य। इस खेल के नियम ये हैं कि खिलाड़ियों को जादुई घोड़े पर उल्टी दिशा में रोलिंग डिस्क पर चलते हुए ट्रैवलिंग डार्ट पर एम करना होगा, और जिस खिलाड़ी का निशाना चूकेगा उसका साथी उबलते पानी की कढ़ाई में नीचे उतारा जाएगा। पानी, मुझे उबलते पानी से बहुत डर लगता है विवान, सो प्लीज ऑल द बेस्ट। समय समाप्त होने के बाद जिसका साथी पानी से ज्यादा ऊपर होगा उसकी टीम को जीत मिलेगी। इस प्रतियोगिता में तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे हराया नहीं था, मैं खुद गलती से गिर गया था, सो बाय डिफॉल्ट तुम जीत गए थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। अकल पूरी एकाग्रता के साथ अपने निशाने पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और यह उनका तीर कठिन लक्ष्य की तरफ गया 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 और निशाना चूक गया, और उनकी इस चूक का भुगतान मंद को झेलना पड़ेगा। वो उबलते पानी की तरफ एक कदम नीचे खिसक गए हैं। अब अकल दूसरा तीर धनुष पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका तीर निशाने को चीर के निकल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अगला तीर भी लक्ष्य पर लगा है। अकलमंद इस प्रतियोगिता में तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे दो तीर ज्यादा वार करने होंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। और अब विवान भागते घोड़े की पीठ पर बैठकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं।
बालवीर, अब तुम्हारे नैरोज के लिए मैं फेवरेबल वेदर भी बना देता हूँ। अचानक आए हवा के झोंके के कारण विमान का तीर निशाने से बहुत दूर जाकर गिर गया है और उनकी जोड़ीदार आरोही खोलती पानी के करीब पहुंच गई है। विमान, थोड़ा ढंग से एरोस चलाओ। आफ्टर ऑल मेरी और बालवीर की लाइफ का क्वेश्चन है। ये तीर इतना दूर कैसे चला गया? मैंने निशाना तो सही लगाया था। पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार उनका तीर लक्ष्य से दूर चला गया है। अभी तो समय समाप्त होने वाला है, जबकि अब तक विवान का एक भी तीर लक्ष्य पर नहीं लगा। अगर इस बार भी विवान से चूक हो गई तो बेचारा विवान, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास, क्योंकि अगर ये गेम छोड़ेगा तो बालवीर की लाइफ जाएगी और अगर ये गेम खेलेगा तो आरोही की लाइफ जाएगी। बालपरी, क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए? विवान, जो खुद पर भरोसा रखते हैं उसके सामने कठिन से कठिन हालात भी हार मान लेते हैं। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। विमान के लिए यह मुश्किल की बहुत ही कठिन घड़ी है। उनके हाथों में आरोही की जान और वीर लोक की शान है। अगर वो चूके तो ये दोनों चले जाएंगे। सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करना होगा मुझे। छोटे बालवीर ने हार के दबाव में आकर बहुत ही गलत निशाना लगा दिया है। उनका तीर निशाने से बहुत दूर जा रहा है। अब तो मेरा दामाद बनने वाला है। यस! विवान! शाबाश विवान, शाबाश। विवान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पूरे जोश खरोश के साथ दिखा रहे हैं और आखिर कुछ पलों में एक साथ तीन तीर निशाने पर दाग रहे हैं। विवान, तो 5 सेकंड में तीन निशाने कैसे लगाओगे? छोटे बालवीर ने पलट दिया है और वो इस प्रतियोगिता को जीत गए हैं। तिमनासा, अब अगली प्रतियोगिता में भी परिणाम तुम्हारे उम्मीद के परे जाएगा। देख लेना, अब बहुत ही जल्द हम बालवीर को फिर से हासिल कर लेंगे।
बालवीर, हम तो घुट के चना उस चिंटी ने हमें धमकी दी थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। तुम सब बच्चों का ठेका नहीं लेकर रखा मैंने। पर बालवीर, आपको तो यही काम है, गुड बच्चों की हेल्प करना। यही तो समस्या है, इसलिए आज से गेम चेंज होगा। रियली? ऑफ कोर्स, आज के बाद बुरे बच्चे नहीं अच्छे बच्चों को सजा मिलेगी। क्या? रियली? वाओ, आज तो मेरा लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। एक दिन नहीं बेटा, आज से बुरे बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भरी होगी। कैसे कैसे? अपना हाथ आगे कर। लेकिन बालवीर, हम इसका क्या करेंगे? हाँ, इन रंगों की मदद से तुम इन अच्छे बच्चों के चेहरों पर जोकर बना दो। क्या? सच में बालवीर? ऑफ कोर्स, 100% श्योर, क्योंकि आज से सिर्फ बुरे बच्चों का राज चलेगा। Yes! अब दोनों ही पक्ष के पास एक एक अंक है। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। रे, ये मंद है ना, सच में मंद है। अरे, ये बिना रेडी स्टडी घोस्टों ने झाड़ू क्यों लगा रहा है? साफ सफाई करने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? अरे मोनी, साफ सफाई करने वाला झाड़ू नहीं है तो? ये उड़ने वाला झाड़ू है। ओ, इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक खरे वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई सदस्य बिना झाड़ू के अंतिम रेखा पहुंचेगा, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक नियम है। इस उड़न झाड़ू दौड़ के लिए दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीतने के लिए भी और दूसरों को गिराने के लिए भी। लेकिन आरोही के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। तो क्या हुआ? जब मेरा भाई मंद बिना कल की खेल रहा है तो आरोही बिना शक्ति के क्यों नहीं? लेकिन ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। डर गई क्या बालपरी? टिम्मी आंटी, डरिए आप। अरे रिलैक्स पीपल, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। भले मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास करेज है। आई एम रेडी। बहुत खूब, तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी तक तो खेल बराबरी का है, इस अगली रेस पर बड़े बालवीर की जिंदगी निर्भर करती है, और मैं आरोही और छोटे बालवीर को नहीं जीतने दूंगी।